जबलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑटो चालक से लूट करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएसपी प्रभात शुक्ला ने बताया कि तीन युवकों ने पहले तो ऑटो चालक से दमोह नाका तक छोड़ने की बात की। दमोह नाका पहुंचने पर जब ऑटो चालक ने किराए की मांग की तो तीनों युवकों ने ऑटो चालक से मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया। दमोह नाका पहुंचकर जब ऑटो चालक ललित उपाध्याय ने तीनों युवकों से किराया मांगा तो उनका एक और साथी मोटरसाइकिल से दमोह नाका पहुंचा। उसके बाद चारों बदमाशों ने ऑटो चालक ललित उपाध्याय के साथ मारपीट करते हुए उसका ऑटो, मोबाइल फोन, अंगूठी और जेब में रखे हुए 700 रुपए लूट लिए। घटना की सूचना ऑटो चालक ललित उपाध्याय ने कोतवाली थाने में पहुंचकर की, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामले के चारों आरोपी शिवम, प्रवेश, सचिन, इरफान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लूट का माल पुलिस ने चारों आरोपियों से बरामद कर लिया है। 17 तारीख के रात में एक ऑटो वाले ने नवभारत प्रेस के सामने से दमोह नाका तक के लिए तीन लड़कों को सवारी से उठाया और उनको लेकर वहाँ पहुंचा था। उससे चौथा साथी और आ गया, उन लोगों ने उसके साथ मारपीट करके उसका ऑटो भी छुड़ा लिया, मोबाइल, अंगूठी और 700 रुपये नगद उसके पर्सनल रखे थे जिसमें उसका आधार कार्ड वगैरह था, ये सब छीन छान कर उसको भाग गए। उसके बाद रिपोर्ट की जाने पर मामले पर निरोधी करेगा विवेचना की गई। मुंगेरों की सूचना के आधार पर कुछ लड़कों को संदेह में उठाया गया, उनको पूछताछ के आधार पर चार आरोपियों को, प्रवेश, शिवम, सचिन और मोहम्मद इरफान, इन चारों को पकड़ा गया है। इन सबसे का माल भी बरामद हो गया है और उनके विरुद्ध धारा 300 उन पर कार्रवाई की गई। अभी इनकी तलाश कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिल पा रहा है।